हेलो फ्रेंड्स तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरा नाम सुदर्शन है और मैं आईटी इंडस्ट्री में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता हूँ मुझे दस साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आईटी में काम करते हुए और इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें लर्न की हैं इंडस्ट्री के बारे में तो उसी चीज़ से को शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है तो आई होप कि ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप सॉफ्टवेयर और आई रिलेटेड कंटेंट सर्च कर रहे हैं तो तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि अगर इंडिया से रहते हुए इंडिया में रहते हुए हमें अगर बाहर से पैकेज मिलता है कुछ ऑफर मिल जॉब ऑफ़र मिलता है अगर इंडिया में रहते हुए हमें बाहर से जॉब ऑफ़र मिलता है किसी दूसरी कंट्री से तो उसके पैकेज की रियलिटी क्या होती है उसको पैकेज को कैसे हमें देखना चाहिए कैसे हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है तो क्योंकि वहाँ की सैलरी अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा आई के कन्वर्जन में ज़्यादा दिखाई देती है लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए वो पैकेज हमें एक्सेप्ट करने से पहले राइट right? तो टू uh, में मुझे भी uh, जो ऑफर हुई थी जर्मनी से एट दैट टाइम मुझे 70 70 सेवेंटी लैख के अराउंड आई एन आर में अगर वो कन्वर्ट करते हैं तो 70 लैख में कन्वर्जन होता था वो मेरे को सैलरी पैकेज दे रहे थे उस टाइम पे लेकिन uh, वो यूरो में था उनकी करेंसी यूरो यूज करते थे वो लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया उसके पीछे कुछ रीज़न थे अब अगर हम इंडिया की बात करें तो सेवेंटी लैक ज़्यादा हमें लगता है कि अच्छा खासा पैकेज है हमें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए वाइल वी वी यू नो वाइल वी आर थिंकिंग टू एक्सेप्ट दैट ऑर्डर दैट पैकेज राइट सो वही हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ स्क्रीन पे ले जाके पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है पर गूगल पर सर्च करना है परचेजिंग पावर पैरिटी कैलकुलेटर उसके बाद आपको पहले लिंक पे जाना है और यहाँ पे कैलकुलेटर है तो हम डालते हैं इंडिया का अगर जैसे इंडिया है हमारी कंट्री इंडिया में एक दस साल दस बारह साल के एक्सपीरियंस में आपको पैंतीस चालीस लाख रुपये का पैकेज आराम से मिलता है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप एक डिसेंट कंपनी में काम करते हैं और एक अच्छी नॉलेज है आपको तो इतना पैकेज मिल जाता है तो हम थर्टी फाइव लैक की ले लेके चलते हैं रुपी आई एन आर में रुपीज़ में राइट ओके सो so ये थर्टी फाइव लैख रुपीज़ अगर इसमें जर्मनी में मुझे जॉब करनी है तो मुझे जर्मनी के हिसाब से जर्मनी इज आवर टारगेटेड कंपनी टारगेट कंपनी तो जर्मनी में अगर हमें जॉब करनी है तो उसके हिसाब से हमें वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड जर्मनी की करेंसी में हमें पैसा चाहिए यू रिक्वायर ए सैलरी ऑफ वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड इन जर्मनी लोकल करेंसी टू लिव सिमिलर क्वालिटी ऑफ लाइफ एज यू वुड विद ए सैलरी ऑफ थर्टी फाइव लैख इन इंडिया तो जितना इंडिया में आप थर्टी फाइव लैख में एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं उतना आपको अगर जर्मनी में वही मेंटेन करना है लाइफ स्टाइल तो आपको एक लाख से ज़्यादा का आपको उनकी करेंसी में चाहिए पैकेज तो ये हमें देखना पड़ेगा अगर तो हमें ये कैलकुलेटर जरूर हमें यूज़ करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग और यू नो कंसिडरिंग एनी ऑफर फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड इंडिया और ये डेटा दे, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक के का डेटा है तो परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कि जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं या जैसे रेंट है या कुछ भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे इंडिया में हैं तो इंडिया में सस्ती हैं एज कम्पेयर टू दो कंट्रीज आप यूरोप में जाते हैं यू में ऑस्ट्रेलिया में वो सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें महंगी हैं तो आपको ऑब्वियसली वो ज़्यादा पे कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए तो अगर आप सेम क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उतना पैसा नहीं बचा पाएंगे वहाँ जाके जितना आप सोच रहे हैं तो ये चीज़ ज़रूर कर तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वहाँ का पैकेज जब हम आई में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा दिखाई देता है लेकिन जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी का कंपेरिज़न करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे लिविंग स्टाइल जो वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू इंडिया तो हमें जब भी हमें कोई ऑफर मिलता है या हमें कोई भी हम सोचते हैं बाहर जाने के लिए तो उस पैकेज को हमें परचेजिंग पावर पैरिटी का कैलकुलेटर से ज़रूर हमें आज कंसिडर करना चाहिए कि वो रियलिटी में हमें कितना इन हैंड मिलेगा और कितनी हम सेविंग कर पाएंगे वहाँ जाके क्योंकि एक डिफरेंट कंट्री में मूव होना एक एक बहुत बड़ी डील होती है अगर आपकी फैमिली है तो आप पूरा एक आप पूरा यू नो सेटअप लेके आप आपके आपके वाइफ है आपके बच्चे हैं तो पूरा एक सेटअप लेके आपको एक दूसरी कंट्री में मूव होना होता है और उसके बाद आप फैमिली से भी आप, आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है उससे भी आप कट ऑफ हो जाते हैं तो उसके लिए फिर अगर एक एक बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पैकेज आपको मिल रहा है तो ही जाने का फ़ायदा है अदरवाइज़ आपको कंपेयर करना चाहिए कि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ़ लिविंग कितनी है वहाँ पे आपको उसका कितना बेनिफिट मिलेगा जो आपको पैकेज मिल रहा है तो ये चीज़ हमें ज़रूर कंसिडर करनी चाहिए कोई भी पैकेज एक्सेप्ट करने से पहले राइट right? तो यही सब पॉइंट थे जो मैं आज डिस्कस करना चाहता था आपसे और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या फिर चैनल का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को इस पर रेगुलर कंटेंट आएगा रिलेटेड टू यू नो प्रोफेशनल लाइफ स्टाइल एंड यू नो हम कैसे ग्रो कर सकते हैं करियर में सो प्लीज़ सब्सक्राइब कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल And thank you for watching this video bye bye i will see you in next video bye